मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं मेरा चैनल चकाचक एक्सप्रेस के साथ। और आज मैं राजनीति की कुछ ऐसी रोचक जानकारी आपके पास लेके आया हूं कि आखिर 5 दिन के मुख्यमंत्री ने कैसे अपने जीवन में खेत बेचकर लड़ा चुनाव और कैसे उन्होंने एक छोटी सी घटना से प्रेरणा लेकर गिरा दी बिहार की सरकार और बन गए 5 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री। गांव में जब किसी का कोई काम पैसों की वजह से अटक जाए तो लोग गाहे बगाए ये कहते मिल जाते थे, इतने पैसे क्या खेत बेच कर दूंगा, कुछ लोग मकान बनाने के लिए तो कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए तो कुछ बेटी की शादी के लिए खेत बेचते थे। मगर बिहार में एक शख्स ऐसा भी हुआ जिसने खेत बेच कर राजनीति की और चुनाव लड़े। आपका अंदाजा शायद सही ना हो क्योंकि हम लालू यादव, बीपी मंडल या नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले सतीश प्रसाद सिंह की, जो थे तो पिछड़ी जाति से मगर उनके पिता थे जमींदार जो कि 400 बीघा जमीन के मालिक थे। सतीश प्रसाद सिंह को बिहार में इस बात के लिए कड़ी नाराजगी का शिकार होना पड़ा। अंतरजातीय विवाह करने के लिए उनको समाज से कहे तो एक तरीके से निकाला हो गया था। उसी बिहार के मुख्यमंत्री आज अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहन राशि देते हैं। सतीश प्रसाद सिंह खेतीहर परिवार से होने का फायदा मिला लेकिन भाइयों में आपस में बंटवारा हो गया था, मगर इसके बाद सतीश प्रसाद सिंह को अपनी राह खुद बनानी पड़ी थी। वो कुशवाहा समुदाय के थे, खगड़िया जिले के परवत्ता प्रखंड का कुरचक्का गांव जिसे वर्तमान में सतीश नगर के नाम से जाना जाता, वही उनका घर। चूंकि पिता जमींदार थे इसलिए राजनीति की बात सोचना विवर्जित था, घर में एक तरह से राजनीति को लुटिया डुबोने का रास्ता माना जाता था। लेकिन सतीश प्रसाद सिंह के अंदर पॉलिटिक्स ग्रेजुएशन के दौरान ही पड़ा। उन्होंने परवत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में बाजी मारने की सोच से 1962 के चुनाव लड़ने का तय किया। लोगों ने भी मजाक बनाया, खिल्ली उड़ाई कि सारा खेत बेचकर सतीश प्रसाद सिंह खाली हाथ लौटेंगे, लेकिन उनको लक्ष्य भेद ना आता था। खेत बेचकर रकम जुटाई और स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़े और 17,000 वोट से चुनाव। एक दफे की बात है, सतीश बाबू के पहचान के डॉक्टर को तमाम क्वालिफिकेशन के बावजूद मेडिकल कॉलेज में शिक्षक नहीं बनने दिया जा रहा था। इससे नाराज सतीश प्रसाद सिंह 15-16 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद से मिले और सारी वैधा कह डाली, जिसके बाद उनके परिचित को शिक्षक बना दिया गया। ये वाक्या जब दिग्गज कांग्रेसी नेता केपी सहाय को मालूम चला तो उन्होंने सतीश प्रसाद सिंह से कहा कि आपके पास 15-16 विधायक तो हैं ही, आप इस संख्या को अगर 30-35 तक बढ़ा दें तो हम आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, 156 कांग्रेसी विधायक आपके साथ होंगे बस। फिर क्या था, सतीश प्रसाद सिंह ने संयुक्त समाजवादी दल के अन्य नेताओं से बात की और 36 विधायकों को अपने संग ले लिया। इसके बाद सरकार गिरा दी और सतीश प्रसाद मात्र 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक के लिए बाद में सतीश बाबू ने कई पार्टियों का दामन थामा मगर कोई उनका खैवनहार नहीं बन पाया और उनकी राजनीतिक जिंदगी के सितारे भी बुलंद नहीं हो पाए। चकाचक एक्सप्रेस के लिए ये स्टोरी तैयार की है शिव। सरल, सटीक और सत्य खबरों के लिए आप देखते रहिए चकाचक एक्सप्रेस।